Morning, sir. Good morning children. Most welcome in this Hindi story reading session. Here we will learn how to pronounce Hindi words correctly and to know the essence of prescribed story named Balak Bharat. Means the Ba Bharat. <coughs> इट इज़ तृतीय किरण दैट मीन्स लेसन थ्री हमारे शिशु मंदिर में एक चित्र है एक वीर बालक का चित्र है जिसमें बालक सिंह के दांत गिन रहा है सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है उसकी माँ शकुंतला उसे दूर से देख रही है बालक के साहस को देखकर खुश होती है एक दिन उसके पिता दुष्यंत आए दुष्यंत ने निडर बेटे को देखा हृदय से लगा लिया यानी कि उन्होंने देखा कि एक जो उनका बालक है यानी कि शकुंतला का पुत्र वो क्या कर रहा है कि शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है किसके साथ खेल रहा है शेर के बच्चों के साथ ये तस्वीर दर्शाई गई है आप देख सकते हैं उस बालक का नाम भरत था उस उस बालक का नाम भरत, भरत, था।, भरत था भरत बड़ा हुआ वह इस देश का राजा बना अपनी वीरता से देश का महाराजा बना अपने अच्छे गुणों से सबका हृदय जीता अपने अच्छे स्वभाव से सबका प्यार बन गया प्यारा बन गया अपने अच्छे स्वभाव से सबका प्यारा बन गया इसी वीर के नाम पर हमारा हमारा देश भारत कहलाया इस प्रकार आप जान गए कि बालक भारत के वीरता साहस और शौर्य के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा भारत संसार में महान देश बना राजा ऋषभ देव के पुत्र का नाम भी भरत था वह भी बड़ा वीर राजा था इस कारण से भी यह देश भारत कहलाया राजा दशरथ के चार पुत्र थे एक का नाम भरत था राम और भरत में बड़ा स्नेह था राम पिता के वचन के अनुसार भरत को राज्य देने के लिए जंगल गए तप करने लगे भरत राम के लिए तप करने लगे भरत का त्याग अथाह था भरत का प्रेम असीम था इस तरह से हम जाने कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा हमारे देश का नाम भारत यहाँ के वीर बालक भारत के साहस शौर्य और वीरता के गुणों को ध्यान में रखकर नामांकित किया गया है अर्थात भारत का नाम बालक भरत के आधार पर रखा गया ठीक है yes, इस तरीके से आप इस कहानी को पढ़ेंगे और अगली कड़ी में इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे थैंक यू वेरी मच